ऑक्सीजन को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। टीम हार भी जाए तो फैंस कतई निराश नहीं होंगे। फैंस है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम बिल्कुल मज़े में हैं और एक मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जो कि नेटफ्लिक्स पर आई, जिसमें अनुष्का शर्मा जो होता है ना क्रिकेटर्स का जो सारा वो होता है यूनिफॉर्म, उसमें है। आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना। हाँ, अनुष्का शर्मा, जाहिर सी बात है उनकी शादी हुई, फिर उनका बेबी हुआ, उसके बाद जाके अब किसी मूवी में हमें नजर आ रही है। तो अनाउंसमेंट है बेसिकली मूवी की, और इंडियन टीम क्रिकेट टीम का उन्होंने सारा वो पहना हुआ है, और इसका नाम जो है चक्रा एक्सप्रेस, आई गेस चक्रा है, या अब ये आप बताइएगा, मुझे तो चक्रा लग रहा है क्योंकि CHAKDA DR आप लोग डी जो है आर को बोलते हैं तो मतलब वो आर पढ़ा जाता है उसको, तो चक्रा एक्सप्रेस लग रहा है। और कुछ रिसर्च करने से यही पता चला है कि झूलन गोस्वामी जो कि एक लेडी क्रिकेटर हैं और उनके ऊपर ये मूवी बनाई जा रही है, बायोपिक फिल्म है ना। हाँ, तो इसको देखते हैं, देखने के बाद ही हमें कुछ आइडिया होगा कि क्या इसमें हमें बताया जा रहा है, और उसके बाद हम इस पे करेंगे डिस्कशन। सो स्टे विद अस। स्टेडियम 2008 ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि एक तरफ है टीम कंगारू और दूसरी तरफ है टीम हु आर यू। अपने देश की जर्सी पाने के लिए कोई भी खिलाड़ी अपनी जान लगा देता है, पर यहाँ तो ऐसा लगता है कि उन्हें ये जर्सी उधार में मिली है। अगर ये टीम हार भी जाए तो फैंस कतई निराश नहीं होंगे, क्योंकि फैंस है ही नहीं। अच्छा, उनकी जर्सी में अपना नाम। हाँ। प्रीति कशिश, जर्सी खुद के नाम का नहीं तो फैन किस नाम को फॉलो करेगा। हाय, देखा है लैंग्वेज चेंज की। किंतु चिंता करो ना, आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया, आजकल अपना पहचान भी बना लिया। बंगाली है, बंगाली लैंग्वेज है, इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ झूलन गोस्वामी। वेरी नाइस यार, मतलब अनुष्का शर्मा की जो लैंग्वेज, आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया। हाँ, बंगाली लग रही हाँ, है। तो आगे क्या बोलती है, कल को अपनी पहचान भी बना लेगा। हाँ, कल को अपनी पहचान। और हाँ, और जब यूनिफॉर्म या शर्ट तो अपनी है नहीं, तो फिर फैंस किस नाम के। हाँ, तो वो शुरू में बड़े मजे से स्टार्ट होता है, सचिन सब के नाम लिखे हैं क्रिकेटर्स के, तो अच्छा, उन पे पहले थोड़ा सा हुई कि सचिन की क्यों शर्ट रखी हुई है। तो ये लेडी टीम है पूरी लड़कियों की, वो टेप लगा के अपना अपना नाम लिखती है। अच्छा, वो बड़े मजे की कमेंट्री भी बीच में चल रही है कि आज मैच है और अगर ये टीम हार भी गई तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें फैंस है ही नहीं, सारा स्टेडियम खाली है। लेकिन बड़े मजेदार तरीके से वो बोलती हैं। अब झूलन गोस्वामी जो है, मैं अगर गेस कर पा रहा हूँ तो ये बंगाली में बोल रही हैं, जिस तरह वो बोल रही है ना। इधर लोग यही बता रहे हैं नीचे कॉमेंट्स में भी कि झूलन गोस्वामी का हर फीमेल क्रिकेटर को इनका नाम पता होगा और सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है, और इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत बहुत क्या बल्कि सब कुछ पता चलेगा पूरे इंडिया को, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये मूवी लगेगी। तो अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, और अनुष्का शर्मा कैसी एक्ट्रेस हैं वो तो हम सबको पता है। तो क्रिकेट पर एक और मूवी आ रही है, इससे पहले आई थी 83, उसने भी काफी अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि बायोपिक फिल्म्स आनी चाहिए, ऐसे लोग जिनके बारे में इतना किसी को नहीं पता, उनको उनके बारे में पता चलना चाहिए, ऐसे जो ग्रेट लोग होते हैं ना। तो अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा इस पे ज़रूर हमें करना चाहिए। तो बाकी इसकी प्रोनाउंसिएशन हमें बताइएगा कि चक्रा है, छकड़ा है, क्या है, चक्रा एक्सप्रेस। हाँ। किस पर्पस से ये नाम इस मूवी को दिया गया, और झूलन गोस्वामी के बारे में भी अगर आप कुछ जानते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमने तो सोचा था कि कोई अनाउंसमेंट वीडियो होगी, लेकिन एक छोटा सा टीजर टाइप ही था। हाँ, प्रोमो टाइप ही था। अब इसके टीजर का हमें इंतजार रहेगा। हाँ, बाकी देखते हैं, अभी तो फिल्मिंग स्टार्ट हुई है, अनाउंसमेंट हुई है, देखते हैं कब आता है इसका टीजर वगैरह। तो आपको भी अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे व्लॉग्स को, जाके यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फोर्स एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नए नए रिएक्शंस लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।